हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 40D यानी 11th ऑफ अक्टूबर 2021 के लिए होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लाइव प्रोसेस में जो सेक्शन है एक्सक्रेशंस, ठीक है। दिस आर द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस डैट टेक प्लेस द इनसाइड द लिविंग बॉडी, यानी बहुत सारे जो है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी के इनसाइड में होते हैं, ठीक है, अंदर में होते हैं। एज ए रिजल्ट ए वेराइटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉन्स्टेंटली बींग्स जनरेटेड, ठीक है। जैसे द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दिस वेस्ट, यानी हम इंसानों को, हम जो लिविंग बॉडी है उसके उसे क्या होता है, उस बॉडी में जो है ना क्या होता है, जो वेस्ट को रिमूव करना होता है। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी यही प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं, ठीक है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सक्रेशंस इन यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, तो एक्सक्रेशन यूनिसेलर में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीसेलर में स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्रेशन इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है डियर स्टूडेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी किडनी लोकेट इन द एबनॉर्मल एबडोमेंस ऑन वन इधर साइड ऑफ द बैकबोन्स, यानी यूरेटर यानी यूरिन्स प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन्स कमिंग्स थ्रू द यूरेटर यूरेथरा, यानी यूरिन रिलीज थ्रू आउट इट, राइट। तो ये सारा ये पॉइंट है जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का है, आप इसको भी आप समझ ही लीजिए, ठीक है। क्या होता है देखिए, ये हमारा लेफ्ट रेनल आर्टरीज है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट रेनल वेन है और ये किडनी है हमारा, ठीक है। तो किडनी से क्या होता है, सब जो है ना मतलब वो क्या होता है, जैसे यूरिन आता है, ठीक है, तो ये जो है ना मतलब यूरिन ब्लैडर है जो कि इसमें रुकता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोग क्या करते हैं जो है ना मतलब इसे जो है ना यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर, ठीक है। ये ओटा होता है, ठीक है, लेफ्ट यूरेटर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना आपको ये समझना है प्यारे स्टूडेंट, जैसे ये एक्सक्रेशन ह्यूमन बींग, तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट सच एज द यूरिया और यूरिक एसिड को, तो हमारा जो कहते हैं मूत्र का क्या है, तो एसिड है, कौन सा, यूरिक एसिड होता है, याद रखना है, यूरिया और यूरिक एसिड होता है, मूत्र होता है जो हमारे बॉडी से एग्जिट होता है, ठीक है। इट इंक्लूड द पेयर ऑफ द किडनीज एंड पेयर ऑफ द यूरेट्रा एज द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथरा, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है, अब आपको यहाँ पे देखना है ये डियर स्टूडेंट, द पर्पस ऑफ द मेकिंग द यूरिन टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, दिस वेस्ट आर द रिमूव फ्रॉम द बॉडी ब्लड टू द किडनी एंड आर द पासिस डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय द पेयर ऑफ द यूरेथ्रा, देम थ्रू द यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडीज, यानी नेफ्रॉन्स द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, यानी नेफ्रॉन्स। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे सबसे पहली बात ये है जो इट इज ए स्ट्रक्चरल इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ब्लड एट द हाई प्रेशर ट्रेवल इन टू द दिस द ट्यूब्स बाई ब्लड कैपलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरस विच आर द सराउंडेड बाई द कप शेप्ड कैप्सूल्स कॉल्ड द बाउमेंस कैप्सूल्स। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो वेस्ट होता है ना वो वेस्ट इज जो रिमूव होता है हमारे किडनी के थ्रू, जो कि आर पास डाउन द यूरिनरी ब्लैडर बाई पेयर ऑफ द यूरेट्रस देन द थ्रू द यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। अब देखिए नेफ्रॉन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का फिल्ट्रेशन है, ठीक है। अब देखिए इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट किडनी, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इन टू द दिस द ट्यूबल्स बाय द ब्लड कैपलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस विच आर द सराउंडेड बाय द कप शेप्ड कैप्सूल्स कॉल्ड द बाउमेंस कैप्सूल्स, राइट। देखिए कैपलरीज है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ब्रांच ऑफ द रेनल्स वेन्स है, राइट, ये ब्रांच ऑफ द रेनल्स आर्टरीज है, बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये सारे है। अब देखिए इसमें आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट, बेहद ही आसान है, जो देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, ठीक है, द यूरी
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स द ग्लूमेरस अंडर द हाई प्रेशर फोर्सिंग द सब्सटेंस डिजॉल्व इन टू द ब्लड इन टू बॉमेंस कैप्सूल्स। ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है यानी देन द क्या होता है ब्लड पासेज थ्रू द ट्यूबुलर रीजन्स। तो उसके बाद ब्लड कहाँ होता है ट्यूबुलर रीजन में जाता है वेयर द ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर आर द सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब। वहाँ क्या होता है ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट होता है वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एज ए यूरिन्स पासिस थ्रू द ट्यूबल। सम ऑफ द आयन्स लाइक्स द के प्लस यानी पोटासियम आयन एंड द NH4+ यानी अमोनियम आयन फ्रॉम द ब्लड आर द सिक्रेटेड इन टू द यूरिन्स द कलेक्टिंग डक्ट देन द कलेक्ट्स द यूरिन्स। वाटर इज री एब्जॉर्ब्ड द यूरिन नाउ द कंटेंस द यूरिया एंड द यूरिक एसिड एंड द ऑल्सो द पिगमेंट गिविंग द येल्लो कलर टू द यूरिन। ठीक है, अब देखिए रिमूवल ऑफ यूरिन कैसे होता है ये सबको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो कुछ प्रश्न है इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट, तो देखिए ये 5 प्रश्न हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है हाउ टू द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रेशन। द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स कॉल द डिफ्यूजन्स। हाउ आर द एक्सक्रेशन इन मल्टी सेलर डिफरेंट फ्रॉम द यूनिसेलर। तब यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रेशन टेक प्लेस थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन्स प्रोसेस डिफ्यूज, जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल ह्यूमन बींग्स एक्सक्रेशन टेक प्लेस थ्रू द बॉडी स्पेशलाइज ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट व्हाट इज द फंक्शनल ऑफ द यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। द ग्लोमरस एंड द कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स आर द लोकेटेड इन द कोरेट्स ऑफ द किडनीज वाइल द कलेक्टिंग द डक्ट आर द लोकेटेड इन टू द पिरामिड्स ऑफ द किडनीज एंड द न्यू मेडुला। ये आपको फिगर बना देना है। राइट, इसके नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन इज द एसेंशियल इन द यूरिन फॉर्मेशन वेयर डज दिस स्टेप अकर इन द नेफ्रॉन्स। तो ये कहाँ होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, द अल्ट्राफिकेशन प्रोसेस इज अकर ग्लोमेरस इन द नेफ्रॉन्स। द ग्लोमेरस इज ए नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इन द कप लाइक द एंड बॉमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन्स वेयर इज द वेस्ट प्रोडक्ट आर द फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इन टू द किडनीज ट्यूब। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। और एमसीक्यू आपका जल्द ही स्टार्ट हो रहा है कल से। ठीक है, आप सभी एमसीक्यू जो टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और विद से हेल्प ऑफ सैंपल पेपर आपको कराने जा रहे हैं, तो आप हमेशा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।